हेलो गाइस, तो देखो इसमें हम जो शेयर डिस्कस करने वाले हैं, एफएमसीजी कंपनी है और इसका चार्ट पैटर्न बहुत सही बनते जा रहा है। 100 रुपये वाला 200 रुपये हो गया, जो 100 रुपये में कंसोलिडेशन कर रहा था वो भी 200 रुपये हो चुका है। अब हम देख लेते हैं ये शेयर अभी आगे जाके हमें क्या टारगेट दे सकता है, कैसे इसके फंडामेंटल से। सबसे पहली बात, इसमें जो ये पैटर्न बना है ब्रेकआउट वाला, ये बहुत सही है। ये लेवल के ऊपर कंपनी ने आज के दिन में अपनी क्लोजिंग दी है, तो 200 के ऊपर, 209 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब ये ब्रेकआउट कर चुका है। सेकेंड बात इसमें ऐसी होगी, तो यहाँ एक बॉक्स पैटर्न बना था। ये बॉक्स पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, 140 वाला 210 हो गया, मतलब इसमें भी 50-60 पॉइंट्स हमें गेन यहाँ पॉसिबल थी, जो कि हम इजीली कैप्चर कर सकते थे अगर आपको बॉक्स पैटर्न का पता होता। तो अब क्या करना है इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। अब तो ये अपर सर्किट पे लगा आज के दिन में। कंपनी के हम फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी का नाम है पीसी कॉस्मो सोप लिमिटेड, 55.6 करोड़ की माइक्रो माइक्रो कैप कंपनी, 22 के पी पे है, बुक वैल्यू 115 की। अब बुक वैल्यू 115 की थी जब ये यहाँ पे था, तब तो इजीली इसमें एकदम आराम से यहाँ पे इजी बेट थी, 100 के बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा था। तब हम लिया होता तो अभी भी प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में इसमें चले जाते। डिविडेंड यील्ड 0.47% की, फेस वैल्यू 10 की इसकी, आरओसी आरओई 10 के आसपास है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो 1986 की कंपनी पीसी कॉस्मा सोप लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स लॉन्ड्री सोप्स, डिटर्जेंट पाउडर एंड केक अंडर द डॉक्टर सोप ब्रांड। डॉक्टर सोप ब्रांड करके जो है ये इनका प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट देखना जाए तो डॉक्टर सोप, देखो ये जो है डॉक्टर सोप, ये इनका जो ब्रांड है, ये ब्रांड के ये सोप्स बेचते हैं। ये कंपनी है पी सी कॉस्मा सोप। अब इनका ओवरऑल रेवेन्यू लॉन्ड्री सोप में, लॉन्ड्री सोप्स, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखा जाए तो 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ओवर 1.5 लाख रिटेलर्स विद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेजेंट इन यूपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, आसाम एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो ये जो इतने स्टेट है महाराष्ट्र छोड़ के, यहाँ ये साबन, ये जो सोप है आपको देखने मिलेगा, हमारे इधर नहीं दिखता। महाराष्ट्र के लोग बहुत अमीर है इसलिए वो अच्छे सोप यूज़ करते होंगे, बट ये जो स्टेट है, यूपी हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ ये सोप चलते हैं। इन FY21 कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ लॉन्ड्री सोप 70%, डिटर्जेंट एंड केक पाउडर से 30% इनका रेवेन्यू हुआ है ओवरऑल। अब कंपनी जो अपर सर्किट पे लगी है उसके पीछे क्या रीजन है वो हम देखेंगे। एक तो ये अपने 5200 डीएमए के ऊपर चली गई, जो कि अच्छी बात है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अचानक से इसमें वॉल्यूम्स बहुत जोर से वॉल्यूम बढ़ा और ये अपर सर्किट पे लग गई। कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, कंपनी ने कर्जा कम किया है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, ऑलमोस्ट 18% का ये अपना डिविडेंड पे कर रही है, जो कि अच्छी बात है। अभी कंपनी ने 18% का डिविडेंड दिया है। अब इसके पीर में कौन है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से, जो कि बहुत सही ऊपर चल गया है। स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट है, एडवांस पेट्रो केक और हिपोलाइन एक कंपनी है जो कि इनकी इनके क्या बोलते हैं रेंज में है। अब देखो कंपनी ने क्या किया है, इधर देखो सेल्स इनके थोड़े से कम है, सेल्स इन लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ था जो कि 2.38 करोड़ हो चुका है, ये हुआ एक अच्छी बात। और ओपीएम देखो, ओपीएम इनकी 0.63 से 1.75 हो गए, फिर 2.65 हो गए, फिर 4.45 हो गए एंड देन 8.04% इनके ओपीएम हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अच्छी बात है, ओपीएम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे।
अर्निंग पर शेयर देखते हैं इंक्रीज हुआ है क्या इनका। अर्निंग पर शेयर 0.38 से 0.42, देन 0.45, 0.60, देन 2.83 एंड देन 5.48 इनका अर्निंग पर शेयर हुआ है, जो कि एक अच्छी बात हम कहेंगे। कंपनी के पास रिजर्व है 28 करोड़ के और बोरोइंग है 11 करोड़ की, तो चाहे तो डेफ्री हो सकती है। सबसे मेन बात यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखो, 74.56% प्रमोटर ने लेके रखा है, पब्लिक के पास सिर्फ 25%। प्रमोटर इनके कौन है? अंकित जैन, माया जैन, इनके पास सब मेजोरिटी स्टेक होल्डर है और इन्होंने अपना स्टेक बिल्कुल नहीं बेचा है। वो 74.56% पे स्टेबल है और 25% पब्लिक के पास है। अब उसमें भी इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, धीरज लोहिया इनके पास एक स्टेक, ये है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, 2.15% स्टेक इन्होंने लिया है। तो 50 में से भी दो तीन चार पाँच, 5-6% तो इनमें ही बट गया, तो बचा हुआ जो है 15% वो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर के पास ये शेयर होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बल्क डील में देख सकते हो आप। यहाँ पे नितिन है, ये इन्होंने 2021 में खरीदा है, 2 जून को इधर अरुण कुमार मुखर्जी इन्होंने परचेस किए सेल 158 के रेट पे, 27,000 शेयर इन्होंने खरीदे किए हैं। मदन मुंद्रा इन्होंने 16,000 शेयर्स बेचे हैं इनके। तो चलो ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मुझे अच्छा लग रहा है कंपनी का, आगे जाके प्रॉफिटेबल बन सकती है। टिकर टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ एवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड एंड देन रेड फ्लैग लो। ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2020 में 3 रुपए का डिविडेंड, 2021 में 3 रुपए का डिविडेंड, 2022 में 1 रुपए का डिविडेंड। यार अच्छी अच्छी कंपनी 1-2 रुपए का भी डिविडेंड नहीं देती है, और ये छोटी कंपनी होने के बावजूद 3 और 3, 3-3 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है। सिर्फ पिछले साल इन्होंने 1 रुपए का डिविडेंड दिया, पर फिर भी दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा ऊपर जा रही है। यहाँ से भी ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, वन डे चार्ट पे भी इसका स्ट्रक्चर देखे तो। ये रनअवे गैप बना है, ये रनअवे गैप बना है और कंपनी क्लियरली अपवर्ड डायरेक्शन में अभी मूव हो चुकी है।